गली में भी इस तरीके से राइड करना जहाँ पे बच्चे खेल रहे गाइस, कर देना होगा वरना आप कंगाल हो जाओगे। जो कुरियर का काम है वो हो चुका है खत्म। अभी हम आ चुके हैं डीमार्ट। वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, जस्ट अभी सुबह आई वोक अप, जस्ट रिसेंट एक मेल आया और मेल में ये आया कि चाय पीने के बाद बताता हूँ। सिनेमैटिक शुरू करने से पहले एक मिनट के लिए पोज इसलिए किया है क्योंकि ये जो फ्लैशलाइट देख रहे हो आप, ये फ्लैशलाइट इसलिए है क्योंकि लाइट तब चली गई थी और हमको चाय का सिनेमैटिक शॉट लेना था, इसलिए हमने हमारा जो लाइफ पार्टनर है, हमारा भेरू है, उसको बोला कि आप फ्लैशलाइट यहाँ पे जला के रखो और मीनवाइल हम स्लो मोशन में चाय का सिनेमैटिक शॉट लेते हैं। विदाउट शुगर चाय इज टेस्टलेस और विदाउट सिनेमैटिक व्लॉग इज ऑल्सो टेस्टलेस। हमारे लिए दूसरों का अलग हो सकता है बट हमारे लिए, सो लेट्स स्टार्ट इट। मास्टर शेफ फॉर मेकिंग माय मॉर्निंग ब्यूटीफुल। अप्रिशिएट करने के लिए थैंक यू। आपको मुझे बाजार ले जाना पड़ेगा। निकलो यहां से। यही होता है मॉर्निंग की तड़कती फड़कती चाय। यस गाइस, ये थोड़ा इधर ब्रेक हो गया है, हमने गिव अप नहीं किया है इस कप को, इट इज माय फेवरेट वन। सुबह हुई है और लाइट जो है वो गुल हो चुकी है। यूट्यूबर जो होता है वो सुबह उठते ही पहला काम यूट्यूबर करता है वो है मेल चेक करता है, स्टूडियो चेक करता है, और मेल चेक करने पे हमको ये पता चला कि यूट्यूब ने बहुत ही बड़ा झटका दिया है और आई नो ये आगे होने ही वाला था और इट्स नेसेसरी भी है, ये झटका है वो ज़रूरी भी है, हम उसको पॉजिटिव वे में, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी लेना है लो, जो दिया है वो तो दे ही दिया है। क्या जी अब झटका क्या दिया है वो तो हम आगे राइड करते हुए बताएंगे। गली में भी इस तरीके से राइड करना जहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं गाइज, पता नहीं ये से ड्राइवर को लाइसेंस कैसे मिल जाता है और कहाँ से आते हैं ये गाइज। ऐसी जब गली होती है ना, जब कभी भी ऐसी गली में से बाहर निकलो, बी केयरफुल। हमारी बीस्ट को लेके कुछ काम है कुरियर का, सो वो करने जा रहे हैं हम और बताते हैं आपको कि कौन सा झटका हमको मिला है। तो गाइज जैसे कि आज सुबह हमको एक मेल आया और मेल में ये लिखा था, अब से पानी में कटौती होगी। What? कर देना होगा वरना आप कंगाल हो जाओगे। जस्ट जोकिंग गाइज, सिंपल क्लियर कट बता दूं गाइज ज्यादा ना खींचते हुए, तो अगर आप यूएस वासी हो, यूएस में रहते हो, तो आपको 0% टैक्स कुछ भी देना नहीं है। आउटसाइड यूएस जितने भी जीव रहते हैं जो यूट्यूब से कनेक्टेड हैं, उन सारे जीवों प्राणियों मनुष्यों को टैक्स पे करना होगा 24%, जैसे कि GST, IT returns या जो कुछ भी प्रूफ है वो अगर उन्होंने नहीं दिया तो उनको टैक्स देना पड़ेगा। बट हमने जो है गाइज YouTube में जाके ट्यूटोरियल देखा और उसके बाद हमारे पास जो था पैन कार्ड वो हमने अपडेट कर दिया। अपडेट करने के बाद हमको ये मैसेज आता है कि ओके अब आपका 24% टैक्स नहीं कटेगा, जो कटेगा वो 15% कटेगा और 15% तभी कटेगा जो व्यूज़ आपको यूएस से आएंगे, जो रेवेन्यू आप यूएसए से जनरेट करोगे, मतलब कि यूएसए में जो व्यूअर्स हैं हमारे वो हमारे वीडियोस देखते हैं, तो उसमें 15% रेवेन्यू में से कट जाएगा। आई सेड ओके इट्स बेटर 15% कटे हो, अगर ये चीज़ हम नहीं करते तो पूरा 24%, मतलब कि $1,000 कमाए तो $240 गए। ओनली यूएस ऑडियंस जो हमारे वीडियोज़ देखती है वहाँ से जो रेवेन्यू जनरेट होता है उसमें से 15% कटेगा। तो ये था सुबह सुबह का YouTube का धमाका। तो गाइज अभी जो हमारी बीस्ट को लेकर हम जा रहे हैं वो जा रहे हैं अलकापुरी।
जैसे कि हमने बताया कुरियर का कुछ काम है, तो वो काम निपटा के मैं वापस रिटर्न में आपको मिलता हूँ। What? Yes guys, so अभी मेरा जो कुरियर का काम है वो हो चुका है खत्म। अब हमारी बीस्ट NS 200 को लेकर हम वापस जा रहे हैं घर। यहाँ पे guys everything is there, basically mostly वुमन स्टफ, मोस्टली वुमन स्टफ, और साथ में बहुत ही फेमस है यहाँ की जो सैंडविच होती है वो, तो आप देख सकते हो यहाँ की सैंडविच ऑल टाइम फेमस इन द वडोदरा, सेंटर पॉइंट बोलते इसको अलकापुरी। गाइज घर जाके मुझे नेहल को ग्रोसरी शॉपिंग करने ले जाना होगा। यस, आज ग्रोसरी शॉपिंग करना भी अभी बाकी है, आज का दिन थोड़ा रश वाला है, तो फटाफट मैं घर जाता हूँ और वहाँ से जाएंगे डीमार्ट, डीमार्ट जाके ग्रोसरी शॉपिंग करेंगे और डेफिनेटली आप लोग भी हमारे साथ चलोगे। तो हम फटाफट घर पहुँचते हैं और वहाँ से हम आपको ले चलते हैं हमारे साथ डीमार्ट। ये है ढेर सारे मग, तो नेहल कौन सा ये वाला अच्छा है? फाइनली गाइज वी आर आउट ऑफ द डीमार्ट, हम बाहर निकल चुके हैं डीमार्ट से। इधर कुछ ऐसा है बैठ सकते हो, बट अभी भूख बड़े जोर से लगी है। मुझे भी बहुत भूख लगी है, और जाके मिलता हूँ आपको। वेरी गुड मॉर्निंग टू माय खूबसूरत एंड ब्लॉसम बीबर। ग्रोसरी लेते लेते रात के ऑलमोस्ट 10 बज चुके थे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी लोगों को हैप्पी महाशिवरात्रि, हर हर महादेव, बम बम बोले, ओम नमः शिवाय। आज ये गूंज हर जगह देखने को मिलेगी, एवरीवेयर देखने को मिलेगी। टू ऑल माय सब्सक्राइबर्स एंड ऑल माय बडीज वंस अगेन हैप्पी महाशिवरात्रि टू ऑल। कोरोना का टाइम है इसलिए आप सभी को रिमाइंड कर रहा हूँ कि मंदिर जाओ तो अपना मास्क पहन के जाओ, सैनिटाइज करके जाओ, अपनी सेफ्टी के साथ जाओ, कुछ सेफ्टी को ध्यान में रखो, ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। बम बम बोले।